महायज्ञ का पुरस्कार। यशपाल जी द्वारा रचित यह कहानी ICSE कक्षा 9वीं एवं 10वीं की पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर से ली गई है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस कहानी का सारांश। एक धनी सेठ था, बहुत ही उदार। वो बहुत से यज्ञ करता और खुले दिल से सबकी मदद करता और अपना धन दुखियों की सेवा में लगाता। जब उसके बुरे दिन आए, वह गरीब हो गया और भूखे मरने की नौबत आ गई। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। उन दिनों यज्ञों का फल मिलता था। सेठानी ने उन्हें एक यज्ञ बेचने की सलाह दी। उनके नगर से 10-12 कोस दूर कुंदन नगर में सेठ धन्ना सेठ रहते थे और ऐसा माना जाता था कि उनकी पत्नी को कोई देवीय शक्ति प्रदान है, जिससे वो तीनों लोगों की बात जान जाती थी। सेठ ने उन्हें यज्ञ बेचने का सोचा और सेठानी ने परों से आटा मांगकर 4 मोटी रोटियां बांधकर उन्हें दे दी। सुबह सुबह सेठ निकल गए और तेज चलने लगे, जिससे जल्दी रास्ता कट जाए। दिन निकलने पर वह थक गए और विश्राम करने की सोची। एक कुआं दिखा और वृक्षों का कुंज था। कुएं से पानी लेकर खाने बैठे ही तो देखा निकट एक कुत्ता भूख से तड़प रहा था और सेठ की रोटी देख उसे उठने की भी ताकत न थी। सेठ को उस पर बड़ी दया आई और उन्होंने उस कुत्ते को एक रोटी खिला दी। कुत्ते की आंखों में कृतज्ञता आ गई। सेठ ने एक और रोटी खिला दी। कुत्ता खिसकता उनके समीप आ गया, पर वो चल नहीं पा रहा था। सेठ ने एक और रोटी खिला दी और कुत्ता तब भी उनकी ओर देख रहा था। उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने आखिरी रोटी भी उसे खिला दी। स्वयं जल पीकर कुंदन नगर चले गए। वहां के सेठ को बताया कि वो अपना एक यज्ञ बेचने आए हैं। धन्ना सेठ की पत्नी आई और बोली कि उन्हें अपना महायज्ञ बेचना होगा। सेठ के आश्चर्यचकित होने पर सेठानी ने कहा कि जो महायज्ञ उन्होंने आज किया है। सेठ बोला, उनकी स्थिति यज्ञ करने की नहीं है। सेठानी ने फिर बात दोहराई तो सेठ को लगा कि उन्हें यज्ञ नहीं खरीदना है। तब सेठानी ने बताया कि स्वयं ना खाकर सारी रोटियां कुत्ते को खिलाकर उन्होंने महायज्ञ किया है। निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करना सच्चा यज्ञ है। सेठ ने कहा, भूखे को खाना खिलाना कर्तव्य है, कोई यज्ञ नहीं। सेठानी ने पूछा, वो यज्ञ बेचेंगे या नहीं। सेठ को उस सेवा का मूल्य लेना सही ना लगा और वो चुपचाप चल दिए। भूखे पेट रात बिताकर घर पहुंचे। उन्होंने पत्नी को सारी कहानी सुनाई। सेठानी को उन पर बड़ा गर्व हुआ कि इस स्थिति में भी उन्होंने उस कुत्ते की सेवा की। रात को जब सेठानी दिया जलाने आई तो उन्हें ठोकर लगी और तब उन्होंने देखा कि एक पत्थर उभर आया है और उसके बीच एक कुंदा लगा है। सेठ ने उस कुंदे को खींचा तो नीचे जाने की सीढ़ियां दिखी। दोनों नीचे उतरे और जोरों की प्रकाश थी वहां। वो एक बड़ा तहखाना था और जवाहरातों से भरा था। उन्हें यह अदृश्य आवाज सुनाई दी, उनका कुत्ते को रोटी खिलाना, स्वयं भूखे रहकर उस जीव की सेवा करना, अपना कर्तव्य निभाना, इस महायज्ञ का उन्हें इनाम है। सेठ और सेठानी ने भगवान के सामने अपना सर झुकाकर प्रणाम किया।